नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो जिस प्रश्न की हम बात करने वाले हैं उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है कि एक छात्रा 10 द्वि अंकीय संख्या का औसत ज्ञात करती है। संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय गलती से एक संख्या के अंक पलट जाते हैं, परिणामतः उत्तर सही उत्तर से 1.8 कम प्राप्त होता है। उस संख्या के अंकों का अंतर कितना है जिसमें उसने गलती की है। ठीक है, तो प्रश्न देख के तो पसीना आ जाएगा, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो बड़ा ही सिंपल है। हमको पता है कि औसत बराबर क्या होता है, सबको पता है औसत बराबर क्या होता है, कुल योग और बटे में कुल संख्या। ठीक है, तो उसने कहा है कि कोई भी छात्रा है किसी भी अंकों का औसत निकाल रही थी। तो हम मान लेंगे कि n1 n2 और ऐसे ही n9 प्लस दसवीं जो संख्या है उसको हम लिख लेंगे 10x + y, और संख्याएं कितनी हैं 10। इसका कुछ एवरेज था तो हमने a मान लिया। ठीक है, उसने कहा था कि एक छात्रा है 10 द्वि अंकों की संख्या, जैसे 10 थी, दो दो अंक वाली 10 संख्याएं हैं, उनका औसत निकाल रही थी वो, लेकिन गलती से क्या हुआ कि एक अंक को उसने पलट दिया। तो अब दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, n1 n2 ... करके n9 प्लस, यहां 10x + y था तो उसने 10y + x लिख दिया। तो क्या हुआ कि जो औसत था सही उत्तर से कितना कम प्राप्त हुआ, 1.8 कम प्राप्त हुआ। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 1.8। यहां तक समझ में आया, पहले जब वो औसत निकाल रही थी तो ऐसा औसत निकलना था, लेकिन एक संख्या पलट गई तो हमने 9 संख्याएं जो कि तो लिखी, एक संख्या को पलट दिया और औसत क्या हो गया, सही उत्तर से 1.8 कम प्राप्त हुआ। तो वो हमने यहां लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे, इस 10 को हम यहां गुणा कर देंगे तो ए 10 यहां से घट जाएगा और ए गुणा 10 यहां हो जाएगा। इस 10 को यहां से ले जाएंगे तो यहां ए की जगह क्या हो जाएगा, 10a, और 1.8 में जब गुणा होगा 10 का तो क्या बचेगा, 18। ठीक है, हमने एक इसमें लाइन बचा ली है, तो अब डिवाइड भी खत्म हो जाएगा यहां से और यहां से भी डिवाइड खत्म हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 देते हैं, इक्वेशन 2 देते हैं, और इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, हम घटा लेते हैं। क्या करना है, माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो यहां से यहां तक की जो पोर्शन संख्या है तो 70 ए कट जाएंगी, यहां है 10x, यहां से 1x जाएगा तो क्या बचेगा, यहां बचेगा 9x, यहां y था, यहां दोनों माइनस के हो जाएंगे तो माइनस का 10y जाएगा तो माइनस का 9y बचेगा। यहां पर 10a है, यहां पर 10a, 10a कट जाएगा और यहां माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस 18। 9 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x - y = 18। तो x - y = क्या आ जाएगा, 9 × 18। यही उसने हमसे पूछा था कि उस संख्या के अंकों का अंतर कितना है जिसमें उसने गलती की है, तो अंतर इसमें 2 आ गया। ठीक है, अब आप जब ऐसे सवालों को एक दो बार लगा लेंगे तो आपको एक चीज याद रखना है कि संख्याएं दी होंगी 10, और यहां पर जो आएगा वह या तो 1.8 रहेगा या 2.7 रहेगा या 3.6 रहेगा या 4.5 रहेगा, यानी जो भी रहेगा वह 9 का गुणज रहेगा। जब 9 का गुणज रहेगा तो इसका आंसर 2 आएगा, इसका आंसर 3 आएगा, इसका आंसर 4 आएगा, इसका आंसर 5 आएगा, इसका आंसर 6 आएगा। आपको बस यहां ध्यान रखना है कि 10 हो और द्वि अंकीय हो, तो यहां पर जो भी हो उसमें हमें 9 का भाग लगा देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 1.8 लिखा तो हम 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54,
कितना भी लिखा हो यहाँ पर हम 9 का उसे डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इतने बड़े सवाल के लिए आपको ये खास ट्रिक याद रखना है, सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि यहाँ पर 10 संख्याएं हो, द्वि अंकीय हो, तो यहाँ पर जो भी दिया हो उसमें आप 9 का भाग लगा दें, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।